हमारा लंच है आज यहाँ का स्पेशल पहाड़ी थाली एंड ये देखिए ये सारा कुछ है जंगली पहाड़ी साग, मसूर की दाल है, पहाड़ी दाल है, आलू है एंड राइस और रोटी एंड दिस इज खीर। सो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए पहाड़ी थाली। ये हमारा होटल का रूम है एंड यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, किसी ने डोनेट किया है एंड लेट्स गो इनसाइड चेक करते। घुसते ही यहाँ पर कबर्ड है, यहाँ पर बाथरूम है, क्वाइट अ नीट एंड अच्छा बड़ा बाथरूम है। हाय। और फिर यहाँ पर लगेज रखने का है, बिग मिरर एंड दैट्स मी, हमारा लगेज आ गया है। सिटिंग एरिया, टीवी एरिया, अ नाइस ह्यूज बेड, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस है। और बेस्ट है यहाँ से बालकनी और पूरा मार्केट एरिया, यहाँ से पूरा मार्केट एरिया, वहाँ पर गंगा। एंड हम रात को ये कुलचा खाने आएंगे। दिस इज द कॉरिडोर ऑफ द होटल विच वी आर स्टेइंग। ये हमारा रूम है, नीचे छोटा सा ऐसे गार्डन है। ये एंट्रेंस है होटल का, एक्चुअली ये बैक साइड है। दिस इज द होटल्स नेम, संस्कृति वैदिक रिट्रीट, कुछ ऐसे दिखता है एंट्रेंस में। वेरी ब्यूटिफुल द रिसेप्शन एरिया। And this is the view. होटल से बाहर निकल रहे हैं और ये रहा, इट्स स्पा, योगा, आयुर्वेदा, हेल्थ कैफे एंड अकोमोडेशन। तो एक्चुअली मैंने आप लोग को बैक साइड दिखाया था, दिस इज द फ्रंट ऑफ द होटल। रास्ते के दोनों साइड ऐसे शॉपिंग्स है। जो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और मौसम इतना अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बस निकले हैं। स्लिंग बैग। ये हम त्रिवेणी घाट के तरफ आए हैं, ऑटो रिक्शा में आए, 50 रुपीज पर हेड। बस ये गली से 50 मीटर्स और अंदर जाना है तो घाट आ जाएगा, त्रिवेणी घाट। Dog is following us. ये हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी घाट, सामने आपको दिख रहा है।
यहाँ पर ये शाम की आरती होने वाली है ना, बस वही देखने के लिए आए हैं, शाम की आरती घाट पे, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे नेचर को एडमायर करते हुए। हाँ, थोड़ा फोटो सेशन भी करेंगे यहाँ पर करें। बहुत ही बड़े एरिया में ये घाट है, ये देखें, वहाँ से हम लोग ने एंट्री की थी, और ये पूरा गंगा बह रहा है साइड से। शरद कहाँ गया? ओके, मौसम काफी ठंडा हो गया है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, एंड दिस इज द व्यू। देखिए चलते चलते हम लोग को क्या दिखा, ये भी एक यूट्यूबर है और इनका ये चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग ये वाले एंड पे आ गए हैं त्रिवेणी घाट के। इधर इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, तो थोड़ा अच्छे से फोटो भी ले सकते हो, थोड़े शांति से बैठ भी सकते हैं। सी द व्यू, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आ गई गंगा के पास अपना पैर डुबाने। ओह माय गॉड, बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है, माय गॉड, बहुत ही ठंडा पानी है। हाँ, इसका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा को स्किपिंग उल्टा और सीधा दोनों ही आता है, और बहुत अच्छे से कर रही है। मनीषा फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती है और यहाँ पर फिश फूड बेचती भी है, पार्ट टाइम जॉब। हाँ हाँ, पहले से कर। अभी उल्टा मस्त, एकदम अच्छा, बढ़िया बढ़िया। लड़ाई करने के इसमें है, लेकिन लड़ाई नहीं होने वाली है। अब हम जा रहे हैं राम झूला के तरफ, वो पूरा वॉक करेंगे। उधर सिर्फ टू व्हीकल्स ही अलाउड है, टू व्हीलर्स, गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं है। और ये देखिए द व्यू, अभी सब शाम को यहाँ पर आरती वगैरह शुरू हो जाएगी। एंट्रेंस ऑफ राम झूला, यहाँ से हम जाएंगे। चल पड़े हैं हम, देखिए रिवर राफ्टिंग हो रहा है, जो हम कल करने वाले हैं। हिल रहा है, देखना। हाँ रे, ये हिल रहा है, राम झूला कुछ भी मेरे वजन से हिल रहा है उसके पहले नहीं हिल रहा था। ये देखिए रिवर राफ्टिंग, जो हम कल करने वाले हैं। अंदर भी राम झूला में झूला झूल रहा है।
रामझुला के इस पार आ गए हम लोग। यहाँ पर टेंपल है और घाट है जहाँ पर अभी हम लोग बोटिंग करेंगे। और ये देखें, एक्चुअली सब जगह टेंपल ही टेंपल है और योगा का बहुत बड़ा हब है। सो सब जगह पर मठ है योगा के लिए, योगा के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और प्रैक्टिस के लिए है, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, एवरीथिंग अबाउट योगा। योगा का तो बड़ा हब है ऋषिकेश। सो यही सब है यहाँ पर, तो चलिए बोटिंग करने चलते हैं। हम लोग ये खाने वाले चना चपा, ये भैया बना रहे हैं, 40 रुपीस। हम लोग बोट पे बैठ गए हैं और यहाँ से हम लोग आरती देखते हुए जाएंगे, बोटिंग करते हुए और आरती। और वो देखिए ऑपोजिट में हम लोग का होटल है संस्कृति। यहाँ हम लोग मी एंड शरद, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल उधर गंगा आरती हो रही है। इतने दूर पे था, मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया था और बारिश भी हो रही है साथ ही साथ। यहाँ से देखिए गंगा आरती आप सबको। लक्ष्मण झूला का पूरा लाइट जल गया। लक्ष्मण झूला, सॉरी राम झूला, राम झूला एंड गंगा घाट और वहां पर लक्ष्मण झूला जो अभी बंद है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहाड़ी लोगों का नेशनल डिश